बीजेपी नेता ने ही मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के ही मंडल अध्यक्ष आशीष कुल्हाड़ी ने बीजेपी विधायक दिनेश राय पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं कि दिनेश राय फर्जी वोटों से और लोगों को डराकर चुनाव जीतते हैं। आरोप है कि विधायक के भाई चंद्र राय नगर पालिका अध्यक्ष है और वो लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। नाम देकर वो अपनी जमीन में काबिज है और उन लोगों को उठाघात किया गया है। किसी प्रकार के अतिक्रमण में नहीं है, अतिक्रमण का ये लोग नाम दे रहे हैं, बिल्कुल किया गया है। शनिवार के दिन ये अल्टीमेटम देते हैं कि आप अपनी दुकान को हटा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और दो दिन बाद वो दुकानों को तोड़ना चालू कर देते हैं। वहाँ पर सीएमओ उसी दिन आते हैं, सीएमओ को कोई जानकारी नहीं है। वहाँ का राजस्व निरीक्षक योगेंद्र सिंह धुमोले वो आगे अल्टीमेटम देता है। प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम ने भी उनसे कहा, मेरे आने के बाद जगह का निरीक्षण करूंगा, उसके बाद आप तोड़ना पड़ा। इन्होंने उनकी भी सत्ता नहीं देगी, तहसीलदार की भी सत्ता नहीं देगी, और विद्युतपूर्वक बेजबरन बेचती करते हुए इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष जो चुनाव के समय मंडल रहते थे उनके छोटे भाई की दुकान तोड़ दी गई।